यहाँ रोक दो, दो मिनट में आती हूँ। चलो। हेलो मैम, क्या दिखाऊँ आपको? हाँ, आपके मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स ऑफ परफ्यूम्स एंड डियोस। ओके मैम, ओके। That one, yeah. इसकी कितनी कॉस्ट होगी? 2500. और कोई ब्रांड? ओके मैम। ये देखिए मैम। एक्चुअली कुछ पसंद नहीं आया, सॉरी। ओके मैम, थैंक यू। चलिए। आज फिर लेट हो जाएगा सेठ को गाड़ी पहुंचा। तुम हमेशा यही करती, ये शोशा, ये दिखावा। हाँ तो माँ बेटे को ऐसे करने में आराम मिलता है, तो हमारी प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे आराम से नहीं है मत, प्रॉब्लम है जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना दिखाने में। जैसे ये गाड़ी, ये लाइफस्टाइल, ये कपड़े। इतने साल हो गए मधु हम दोनों को साथ में रहते हुए, आज भी तुम हमारी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से शर्मिंदा होती है। हूँ शर्मिंदा, क्योंकि मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ। और वैसे भी इस बजट वाली मिडिल क्लास लाइफ से ना जरूर बाहर निकलूंगी। और भले ही मैं रईस ना हूं, लेकिन दिखती तो टोटल हाई क्लास हूं। हमारी जरूरतें वक्त के साथ बढ़ती चली जाती हैं। एक BHK से 2 BHK, 2 पहिये की बाइक से 4 पहिये की गाड़ी, एक स्मार्टफोन से स्मार्टफोन तक, और इसका कोई अंत नहीं। मधु की ख्वाहिशों का भी कोई अंत नहीं था, बल्कि अमीर और रईस दिखने की कोशिश में वो चोरी, उधारी और दिखावे का रास्ता चुन चुकी थी। और अपनी हैसियत से बढ़ा चढ़ाकर सोसाइटी के सामने दिखावा करने की उसकी ये लालसा उसकी गृहस्थी और रिश्तों को चुनौती दे रही थी। मैम, पेडिक्योर हो गया है, मैं आपके आइस पे क्यूकम्बर लगा देती हूँ। क्या बात है मधु, बड़ा स्टाइलिश कुर्ता पहना है। क्या करूं मैडम, कम बजट में ज्यादा ग्लैमरस दिखना सीख गई हूं मैं। अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। आप लोग जितना एक ड्रेस में उड़ाते हो ना, उतना तो हमारे महीने का खर्चा होता है। हेलो बेबी। हाय। मेरे प्रॉमिस के हिसाब से तुम्हारा सोना मशीन कल तक तैयार हो जाएगा। ओह थैंक यू डार्लिंग। मधु सुना तुमने, कल से सोना घर में। वाओ मैम, कल की पार्टी की तैयारी हो गई? अरे डोंट वरी, सब हो जाएगा। मधु, कल की पार्टी के लिए मुझे तैयार करने आ जाना। ऑफ कोर्स मैम। मैम 20 मिनट में मैं आपका फेस पैक निकाल दूंगी, तब तक आप रिलैक्स कीजिए। ये सब क्या है मधु? फिर वही उबली हुई सब्जियां और सूप, ये सब क्या लगा रखा है तुम? तुम नॉर्मल दाल चावल क्यों नहीं बना सकती हो? हम दोनों को ऐसा खाना पसंद नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बड़े लोग ऐसे ही खाना खाते हैं,
और मैं तुम दोनों को आदत डलवा रही हूँ। जब हम लोग अमीर होंगे ना तो हमारे लिए ये सब रेगुलर होगा। मधु प्लीज, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, ये जो तुम्हारी अमीर बनने की कोशिश है ना, उनकी तरह जिंदगी जीने की कोशिश है ना, उससे हम दोनों को तुम दूर रखो प्लीज। हमें बस दो वक्त नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल दे दो, हम बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। बहुत हो गया मैडम, अब आपका टाइम अप। थोड़ा धीरे बोलो ना। क्या हुआ, कौन है ये लोग? ये मधु ने 40,000 रुपए उधार लिए हमसे, 2 महीना ऊपर हो गया, 1 पैसा नहीं दिया अभी तक। वसूली करने जाओ तो गायब हो जाती है। अब उनको अपना पैसा चाहिए बस। तो वापस कर दूंगी ना पैसे 1-2 दिन में। ए मैडम, 1-2 दिन का गेम बंद करो, पैसा अब भी चाहिए तो अभी। देखिए मैं आपका पैसा 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा, पक्का, सिर्फ 7 दिन। ठीक है, लेकिन तू अपनी पत्नी की तरह हमें टांग मत देना। नहीं नहीं, आपको आपका पैसा सूद समेत 7 दिनों के अंदर मिल जाएगा, वादा रहा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला डेंजर हो सकता है। आपको आपका पैसा मिल जाएगा। 7 दिन, चल। ये लेनदारों की घंटी बजना कब बंद होगा इस घर में मधु? तंग आ गया हूं मैं यार। तंग मैं भी आ चुकी हूँ तुम्हारे 20,000 की नौकरी और इस 2 कमरे की चौल से। मेरा खर्चा पूरा नहीं होता इसलिए मैं उधारी लेती हूँ। खर्चा पूरा इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी पसंद बहुत ऊंची है। मधु बजट में घर चलाना सीखो, अपनी हैसियत के हिसाब से चलना सीखो, समझो मधु। उधारी की जिंदगी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। 20,000 से ज्यादा पैसे कमाना सीखो पहले, तब मुझे भाषण देना। कहाँ जा रही हो तुम? पैसे कमाने, काम करने। अनीशा मैम के यहाँ पार्टी है। मैम हो गया, बालू का जरा टचअप कर दो ना एक बार। यस। ओहो, व्हाट इज दिस बेबी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? I'm ready. अरे पार्टी की सब तैयारी हो चुकी है, सिर्फ 2 मेहमानों का आना बाकी है। आ गई बस, I'm जल्दी done. हो हाँ? Sure. Nice. Thank you. अच्छा मधु, तुम खाना खा के जाना। ठीक है मैम। Cheers. 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 और दिनेश, होली की पार्टी का क्या प्लान है? अरे होली की पार्टी भी जबरदस्त होगी, पहले इस पार्टी को तो शानदार बना ले। I hope आप लोग सब excited हैं। So ladies and gentlemen, let's start the game. आइए। सीमा को एक गेम शुरू होने वाला है। हाँ तू देखती जा क्या गेम है। अच्छा गेम के रूल्स तो आप सब जानते हैं। Yes. Yes. तो शुरू करें? Yeah, yeah. एक सेकेंड। ओके मिस्टर अरोड़ा प्लीज। मिसेस रेडी? एंजॉय गाइस। चीयर्स एवरीवन। ये गेम में हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया। पतियों की अदला बदली, चिट पे जो नाम लिखा है वो आदमी उस औरत के साथ, बाकी समझ गई ना तू? अरे ये रईसों का खेल है, अपने अपने आदमी औरत से बोर हो जाते हैं इसलिए ये सब पार्टीज रखते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को ना धंधा बना के रख दिया इन लोग ने। धंधा? हाँ कुछ बड़े लोग तो पति पत्नी का सौदा भी करते हैं। Okay, who's next now? आपके लिए। मिसेस गुप्ता। कांग्रेचुलेशन। Enjoy guys, cheers. बेशर्मी और बेहयाई की हद पार कर रहे हैं ये शादीशुदा लोग। अमूमन एक विवाहित जोड़ा शादी के कुछ सालों बाद रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने में अपने रिश्ते की अहमियत खो देता है। जरूरी है कि हम पति पत्नी के रिश्ते के उत्साह को बरकरार रखें, लेकिन क्या तरीका है?
अदला बदली के इस बाजार में मियां बीवी का रिश्ता शर्मिंदा हो रहा था। इस तरह खुलेआम किसी का पति किसी और की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, ये ना सिर्फ अश्लील है बल्कि एक कानूनन अपराध भी, जिसका अंजाम रिश्तों को ही नहीं बल्कि घरों को भी बर्बाद करके छोड़ता। मधु, मधु क्या हुआ? मैम गरम पानी गिर गया, पैर जल गया। रुको रुको, मैं आइस लेके आ रही हूँ। केतन, मेरा पैर जल गया है, मुझे पिकअप करने आ जाओ। पैर जल गया? कहाँ, कैसे, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं अनीशा, मैं आपके घर पे हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ और सुनो, वो अच्छी वाली ब्लू शर्ट पहन कर आना, अपने यूनिफॉर्म में नहीं। आता हूँ। हाँ हाँ जल्दी आओ। ओके। नमस्ते मैडम। मधु क्या हो गया? बहुत दर्द कर रहा है, गर्म पानी गिर गया पैर पर। तुम चल तो पाओगी ना? प्लीज उठा लो मुझे। हाँ संभाल के। हाँ ध्यान रखो अपना। कितने दिन हो गए हमें ऐसे पास आए हुए? तुम्हारा पैर तो ठीक है ना? पैर तो ठीक है लेकिन इरादे ठीक नहीं है मिस्टर हस्बैंड। मधु तुम्हारा पैर कैसा है? मैम मेरा पैर ठीक हो गया है, मेरे हस्बैंड के मरहम लगाते ही। I'm so lucky ना, मेरे हस्बैंड मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे तो बिस्तर के नीचे भी नहीं उतरने दिया। और उनके हाथ में तो जादू है, जादू। पूरी रात हम दर्द वर्द सब भूल गई उनकी बाहों में। वैसे तुम्हारा हस्बैंड है बहुत हैंडसम और स्मार्ट। वो तो है मैम, और बहुत फिट भी है हर डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट। और उनको तो आजकल नया भूत चढ़ा है रिकॉर्डिंग करने का, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतन के साथ बहुत खुश हो ना तुम? बिल्कुल, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही? अच्छा सुन, रिकॉर्डिंग है क्या तेरे पास? रिकॉर्डिंग तो है मैम मोबाइल में, लेकिन बहुत प्राइवेट है। अरे मुझसे क्या शर्म, हम तो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, दिखाना रिकॉर्डिंग। हाँ मैम आपको तो सालों से जानती हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के बाद आपको अच्छी तरह से जानने लगी हूँ। आप तो देख ही लो,
ठीक कहा तुमने, तुम्हारा हस्बैंड वाकई बहुत कमाल का है। मैम मैनिक्योर हो गया और कुछ? कभी लेके आओ ना उन्हें हमारे यहाँ। यहाँ क्यों? ऐसे खाएंगे पिएंगे? मैम मेरे पति पीते वीते नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे मिलने बुला लो। आप बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं मेरे हस्बैंड में, कहीं आप कहना क्या चाह रहे? कुछ नहीं मैम, मैनिक्योर हो गया आपका, मैं चलती हूँ। मधु, एक रात के लिए तुम्हारा पति मेरे साथ और तुम मेरे पति के साथ? आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो मैं समझ चुके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारे पति को? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए और होली तक का इंतजार करिए। आपकी इस बार की होली बहुत रंगीन होगी। शर्माओ मत, चलो ना। हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली। थैंक यू। हैप्पी होली केतन। मुझे विश नहीं करोगे? हैप्पी होली मैम। मैम नहीं, अनीशा। ओके, यू गाइस एंजॉय, आई विल सी यू। तो तुम्हारी अनीशा मैम कितने अजीब तरीके से गुलाल लगा रही थी। अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी ना अपनी जेब में रखो और हाई सोसाइटी पार्टी एंजॉय करो ना। और इन लोगों के बीच मिलना विश करना ऐसे ही होता है, बहुत कॉमन है, तुम इतना सोचो मत, इंजॉय करो। अब मैं कॉन्टैक्ट बना कर आती हूँ। ओके। अरे मधु, मधु कहाँ जा रही हो? केतन, ये क्या सूखी होली मनाओगी? ट्राय संभाल। नहीं अब, थैंक यू मैडम, मैं पीता नहीं। ओ कम ऑन, बी अ स्पोर्ट, इफ यू लाइक इट, ट्राई ट्राई। ओके। हैप्पी होली। मधु क्या? मधु क्या था ये? बुरा ना मानो, होली है। अच्छा ये लो पी लो। नहीं और नहीं हो सकता। अरे प्लीज अपना मूड खराब मत करो, पी लो ना। मधु मेरा सर भारी हो रहा है। जी मेरे लिए पी लो।
तस्वीर। संभालो मधु, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। चलो चलो संभालो। मधु, मेरा सर भारी हो रहा है। लेट जाओ ना, लेट जाओ, हाँ लेट जाओ। मधु, बहुत सिर दर्द कर रहा है, कहीं मत जाना। मधु, मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, सो जाओ, सो जाओ। चले सर। सर बहुत भारी हो रहा है मधु। भारी तो होगा, इतनी भांग जो पी ली थी तुमने, और तुम एक डेढ़ घंटे कहाँ थे? कहाँ था मतलब? खैर छोड़ो, जाकर नहा लो, पानी गरम रखा है। ट्रस्ट मी मैम, आप ऐसा करेंगी और वो मान जाएगा। पर मत, परवर कुछ नहीं, प्लान के हिसाब से आप ये करेंगी और तब मुझे हर विजिट का तय किया गया हुआ पैसा देंगे। पति मेरा, सौदा आपका, सिंपल। हाँ मधु बोलो। केतन, केतन तुम फौरन अनीशा मैडम के यहाँ पहुंचो, अभी। मधु क्या हुआ, तुम ठीक तो? केतन जल्दी यहाँ पहुंचो, अभी के अभी। हाँ हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? केतन जल्दी यहाँ पहुंचो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा मैम, वो कभी भी आ सकता है, आप तैयार रहिएगा। बहुत तेज निकली तुम। वो तो मैं हूँ। अच्छा, ड्रामा के लिए तैयार हो जाती हूँ मैं। मधु, क्या हुआ? उनसे क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछो। केतन, आई मस्ट से तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। यू वर रियली गुड। मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर मैं तुम्हें कुछ बोल के नहीं, बल्कि कुछ दिखा के समझाती हूँ। ये सब क्या है? मधु, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? So disgusting. मुझे शर्म आती है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ मधु, मुझे कुछ याद नहीं है। ये मैडम, ये सब, मैं नशे में था और मुझे लगा कि मधु ये तुम। मैडम, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये रोना धोना छोड़ो, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे आंसू बहाने के लिए नहीं बुलाया, एक बिजनेस डील के लिए बुलाया। देखो केतन, गलती तो तुम कर चुके हो, किसी और की बीवी के साथ सो चुके हो,
लेकिन इस गलती में कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। क्यों ना तुम दोनों मियां बीवी की अदला बदली के सर्कल में शामिल हो जाओ और केतन तुम तो इस सर्कल में पॉपुलर हो जाओगे। मैम आप ये सब क्या कह रही हैं? मैडम देखिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे जो गलती की हुई है अब जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। कम ऑन केतन, मैंने जो कहा है उस पे तुम दोनों मुझे सोच समझ के जवाब दे देना। ठीक है सोचेंगे, लेकिन अभी हमें प्लीज जाने दीजिए। चलो चलो। पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझ के रखा है क्या तुमने? मैं ये गंदा काम हरगिज नहीं करूंगा मधु, और ना ही तुम्हें करने दूंगा। जो तुमने किया वो भी कोई भला काम नहीं है केतन, अब जो कर लिया उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। कोई गलती थी मधु, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अनजाने में हुई गलती। ठीक है गलती थी, लेकिन गलती की भी तो सजा होती है, समझो ये हमारी सजा है। कैसे मधु कैसे, गलत है ये, पाप है ये, मैं ये नहीं कर सकता। और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? केतन, अगर उसने वो वीडियो पुलिस को दिखा दिया तो तुम्हें रेप के चार्जेस में अरेस्ट कर लेंगे, और तब नील का फ्यूचर और मेरा, हमारा सब फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज केतन, कुछ वक्त के लिए उनकी बात मान लो, एटलीस्ट जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है। हाँ नहीं, मेरी गलती की सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा। अगर ये गंदा काम करना है तो मैं अकेले करूंगा, तुम इस दलदल में नहीं उतरोगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना मन, और हां अनीशा मैडम को मेरी यह शर्त जरूर बता देना। मान गए मधु तुम्हें। थैंक यू मैम। अब बिजनेस डील की बात करें, आप जब चाहें जहां चाहें जिसके साथ चाहें मैं केतन को भेज दूंगी, लेकिन अब हर विजिट की कीमत लगेगी। कीमत? हो तो तुम अपने पति को हर दिन बेचने का सौदा कर। डील मैडम, डील। टू मच। वैसे रेट्स क्या चल रहे हैं आजकल? कम इन। कम केतन, आओ ना अंदर बैठो। अरे शर्माओ मत, आओ। बी कंफर्टेबल। पास आओ ना। नर्वस हो गया?
प्राइस टैग तो चीजों का होता है, आपके पति या पत्नी का नहीं। कोई भी रिश्ता बिकाऊ नहीं होता। रुपयों की और एक अमीर लाइफ जीने के लालच में मधु इस कदर गिर चुकी थी कि आज वो खुद अपने पति का सौदा कर रही थी। केतन अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए रोज अपनी इज्जत खो रहा था। हेलो केतन। केतन मधु के इस खेल से अनजान हर रोज शर्मसार हो रहा था, चुपचाप जिल्लत से दिन रात काट रहा था। मधु का अमीर बनने का ये तरीका बेहद भद्दा और घिनौना और सरासर गलत था। लानत है ऐसी औरत पर जो अपने पति का दाम लगा रही थी, और तरस आता है उस लाचार पति पर जो रिश्ते की मर्यादा बचाने के लिए अय्याशी के इस घिनौने दलदल में रोज धंसता चला जा रहा था। क्या कर रहे हो तुम? ठीक से करो ना। सॉरी मैम। यस अनीशा मैम। ओके डन। हाय मधु। सॉरी, मैं आपको जानती हूँ? वो जरूरी नहीं है। एक्चुअली तुम काफी फेमस हो हमारे सर्कल्स में अपने हस्बैंड केतन को लेकर। डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट मेरा भी है। काफी सुना है तुम्हारे हस्बैंड केतन के बारे में, इसलिए मैं एक मंथली डील करना चाहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड को लेके। 4 लाख, 1 महीने का 4 लाख, लेकिन वो 1 महीना एक्सक्लूसिव रहेगा तुम्हारे हस्बैंड और मेरे बीच में। अगर तुम्हें ये सही लगता है then give me your call. By the way, I'm Pinky. Madhu. मधु, 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 बस बहुत हो गया। मैं ये गंदा काम और नहीं कर सकता। क्या बन गया हूं मैं अपने बच्चे से? तो क्या खुद से भी नजर मिलाने के लायक नहीं रहा? गुनहगार हूं मैं तुम्हारे। मधु, थक चुका हूं मैं, तंग आ गया हूं इन सब चीजों से। लेकिन कुछ नहीं। देखो, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मुझसे क्या गलती हुई। फिर मैं बस इस गंदे काम से छुटकारा पाना चाहता हूं, बस। फिर जाए उसके लिए मुझे कोई भी सजा मिले, मुझे मंजूर है मधु। केतन, मुझे पता है तुम्हें घिन आती है। एक काम करते हैं, मैं मैम के पास जाती हूँ, मैं उनके पैर पकड़ूंगी और कहूंगी तुम्हें छोड़ दे। सॉरी मैम, अगर आप ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं तो मैं केतन को आज रात भेज सकती हूँ, वरना मुश्किल है। रियली? मुश्किल तो तुम्हारे लिए होगी मधु, जब तुम्हारे पति को पता चलेगा कि किस तरह उसे हर रोज बेचकर उसकी कीमत लगाकर उसकी पत्नी पैसे कमा रही है। मैंने तो साफ बात की, लेकिन इसमें पैसे मिलाने का आइडिया तुम्हारा था और तुम मुझसे तोलमोल कर रही हो। शेम ऑन यू मधु। मुझे केतन को बताना ही होगा कि जिस पत्नी की इज्जत वो बचाना चाह रहा है, किस तरह से वही उसे बेइज्जत कर रही है। अभी बताती हूँ। मैम, मैम, आई एम सॉरी, मैम, आई एम रियली सॉरी। उन्हें कुछ मत बताइए प्लीज। सॉरी, मैं लालची हो गई थी। मैं उन्हें आज आपके पास भेज दूंगी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी? That's better. और हाँ,
महंगे कपड़े और गहने पहन लेने से इंसान अमीर नहीं हो जाता मधु। इंसान को अपनी हकीकत कभी नहीं भूलनी चाहिए मधु। आज रात मेरा बॉडी पॉलिशिंग और सोना करने आ जाना। मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट डन मैम। केतन आ रहा है ना आज? यस मैम, वो आ जाएगा। चली मुझे ब्लैकमेल करने। मैम ये हो गया है, मैं सोना ऑन करती हूँ। ओके। अब मैम मैंने सोना ऑन कर दिया है, आप जा सकती हैं। मैम मैं निकलती हूँ, एंजॉय। थैंक यू मधु। तो गई अनीशा मैम। क्या हो रहा है मुझे? क्या कहा निशा मैम? नहीं मानी, इनफैक्ट बहुत गुस्सा किया। आज बहुत खराब मूड में थी वो। उन्होंने कहा है आज रात तुम्हें होटल स्टार क्रेज पहुंचना है, किसी पिंकी के यहाँ, रूम नंबर 202। केतन, हम इस सिचुएशन से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम प्लीज वहां पहुंच जाना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? पिंकी? हाँ मधु, बोलो। आपका पार्सल आपके होटल रूम में एक घंटे में पहुंच जाएगा। ग्रेट। मेरा पैसा कल आकर ले जाना। ओके, थैंक यू। अनीशा मैम, अनीशा मैम, मैडम, मैडम। सो दूसरी का नाम बदनाम कर दिया, तो बड़ा दूध कर दिया। अगर ऐसी बात थी तो तूने। हाय पिंकी। हाय मधु। कोई फीडबैक? फीडबैक यही है कि कल तुम अपने मंथ की पूरी पेमेंट यानी 4 लाख रुपए लेने आ जाना। एड्रेस मैंने एसएमएस कर दिया है। ऑलराइट। ओके, थैंक यू। जो तुम्हारे पति के बारे में सुना था बिल्कुल सही था। जाओ अपना पेमेंट गिन लो, पूरे 4 लाख अंदर रखा है, आराम से गिन लेना। थैंक यू पिंकी।
पैसों के लिए इतना गिर गई कि अपने पति को ही बेच डाला, उसी का सौदा कर डाला। केतन तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, मधु। अगर मैं कल रात को अनिशा मैम के घर नहीं गया होता ना, तो मुझे तुम्हारे इस घिनौने खेल के बारे में पता ही नहीं चलता। मैडम, अनिशा मैडम, मधु, मधु। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पैसों की लालची औरत को पैसों की लालच से बचाया जाए, और इसीलिए मैंने इस काम में पिंकी की मदद ली। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी वाइफ ने अभी अभी किसी को मारने की भी कोशिश की है, प्लीज। पैसे चाहिए ना, तो रखो ये सारे पैसे और सटना चाहिए। सुनो, दूर रहो मुझसे। जो औरत अपने पति की हर रात की कीमत लगा सकती है, जो औरत किसी की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। केतन, केतन, जरूरत को पूरी करने में और लालच को अंजाम देने में फर्क है। बड़ा घर, महंगे कपड़े, अमीर लाइफस्टाइल, हर किसी की चाह होती है, लेकिन उसे पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। केतन का मधु पर भरोसा करना लाजमी था, पर क्या सिला दिया उसने अपने पति के इस भरोसे का। अपने अरमान पूरे करने के लिए मधु ने जो रास्ता चुना, उसे क्या हासिल हुआ? बदनामी, अपमान और एक अपराधी का ठप्पा, जिसकी कीमत उसके परिवार को चुकानी पड़ी। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उसे हासिल करने में सही और सच का रास्ता चुनने में ही आपकी और आपके अपनों की भलाई है। हम अगर अपनी इच्छाएं और अरमानों पे थोड़ी सी लगाम रखें, तो ये छोटी सी सावधानी हमें कई मुश्किलों से बचा सकती है, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी। तो सावधान।